हाय एवरीवन वेलकम टू एन मेरा नाम है सीप पाउजा जैसे कि आप जानते हैं कल सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि शायद कोई ना कोई जजमेंट आएगा बट आप पिछली एट ऑफ जुलाई की हियरिंग के बारे में आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को बोला था डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए डेटा एनालिसिस की मदद से एंड पता लगाने के लिए कि मास लीक हुआ है या नहीं हुआ है तो उन्होंने रिपोर्ट बनवाई है और वो भी एक बहुत ही रिलायबल एजेंसी दैट इज आईआईटी मद्रास ने डिटेल रिपोर्ट सबमिट की है तो उसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं फटाफट से देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कल के जजमेंट मोस्ट प्रोबेबली क्या होने वाली है तो उसकी समरी में आईआईटी मद्रास से जो डेटा एनालाइज कराया गया है उसमें सबसे पहला पॉइंट वो बोल रहे हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जैसा कि हर एक नॉर्मल एग्जाम में होता है वो एक बेल शेप कर्व को फॉलो करता है बेल शेप कर्व का मतलब है मैक्सिमम बच्चे यहाँ एवरेज पे हैं बहुत देन uh, कुछ हाई मार्क्स वाले एन कुछ लो मार्क्स वाले और वो बेल शेप कर्व उन्होंने बोला है हर सिटी हर सेंटर के लिए कंडक्ट किया गया है तो इसी टाइप का कर्व फॉलो हो रहा है वहां पर एंड मेजर एग्जाम्स में ऐसा ही होता है यानी कि यहाँ से पता चलता है

साथ ही में उस इस रिपोर्ट में ये भी उन्होंने बोला है दैट देयर इज एन ओवरऑल इंक्रीज इन द मार्क्स बाय स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इन द रेंज ऑफ 550 टू 720 वो कह रहे हैं ओवरऑल हम मानते हैं कि इंक्रीज हुआ है 550 से 720 तक लेकर ये जो इंक्रीज है वो अक्रॉस द सिटी एंड सेंटर्स देखा गया ऐसा नहीं देखा गया कि एक ही जगह के सेंटर पर ये इंक्रीज हुआ है वो अक्रॉस द the...

क्योंकि हमारे जो जज साहब है उन्होंने यही बोला था कि अगर हमें मास लेवल पर कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं दिखती है तो हम सारे बच्चों को जो जिन्होंने अच्छी मेहनत की थी उनको हम रीनीट के द्वारा नहीं उनको बोलेंगे कि रीनीट देना है ठीक है जी अब जो वेट है नेक्स्ट जो एक सीजीआई ने बोला था कि सीबीआई को भी अपनी डिटेल रिपोर्ट सबमिट करनी है वो रिपोर्ट के बारे में बेटा जी हमें कल ही पता चलेगा अगर सीबीआई ने भी बोल दिया कि मास लेवल पर कोई लीक नहीं है देन देर आर वेरी वेरी लेस चांसेस ऑफ रीनीट नीड बाकी तो बेटा जो सुप्रीम कोर्ट एनालाइज करेगी इस डेटा को देखेगी सीबीआई की रिपोर्ट को देखेगी सारी एफिडेविट्स को अच्छे से देखा जाएगा एंड आई एम श्योर जो भी वो डिसीजन लेंगे वो सारे बच्चों के हित में ही होगा आपके लिए बेस्ट डिसीजन ही लिया जाएगा बाकी आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हैं वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट एक बेटा जी अगर आप एक्स पे जाएंगे ट्विटर पे जाएंगे बार एंड बेंच की यहां पर ये भी रिपोर्ट आ रही है अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे NTA has also alleged that the telegram video, जिसके बारे में वो एक एक बात कर रहे थे कि एक वीडियो था जो fourth of को आया था पेपर हुआ था, जिसमें हुआ ने ये भी बोला है कि जो वो अलेजेड टेलीग्राम वीडियो के बारे में बात कर रहे थे दैट वीडियो वॉज एक्चुअली फेक और उस चैनल पे जहां पर पेपर लीक हुआ है उसके members भी जो थे वो भी क्या थे फेक बट ये कितना सही है कितना गलत है ये सब हमें कल ही पता चलेगा इस पे मैं आपको लाइव दिखाने वाली हूँ जैसे कि मैंने आपको एट्थ ऑफ जुलाई का दिखाया था उस सेशन का लिंक भी मैं नीचे पिन करा दूंगी बाकी बेटा आपके जो ख्याल है आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में थैंक यू सो मच गाइज एंड आई रियली होप कल का दिन सबके लिए बेस्ट हो एंड जो सच में आपके हित में बेस्ट डिसीजन लिया जाता लिया जा सकता है वही लिया जाए थैंक यू